बहुत बुरी बात है। हम लोगों ने कैसे आप सब लोग उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का न्यू व्लॉग। रमज़ान का महीना शुरू हो गया, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और निदा और लुबना भाई ताली लगा रही है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए निदा काम कर रही है माशाल्लाह से। वालेकुम सलाम। निदा ने फ्रूट कट किया है, अभी निदा खजूर खोल दिए। अभी तक गाइस इसने बाइक नहीं खुला, ये आगे ज़िंदगी अपनी कैसे बढ़ाएगी, इससे अभी तक ये डब्बा नहीं खुला। सो गाइस आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, ये बरकतों वाला महीना है और उम्मीद है आप सब मुझे अपनी दुआओं में, मुझे भी मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। मैं भी आप सबको अपनी फैमिली को और मतलब जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं जानने वाले हैं सबको दुआओं में याद रखूंगी, आप सब भी रखिए। और आज मेरा रोजा भी फर्स्ट रोजा, मुझे तो हो रहा है फर्स्ट है ना, मैंने क्योंकि सेरी बहुत ज्यादा टाइट की मैंने सेरी 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 की शायद इसकी वजह से। अच्छा हम लोग टीम में भी ना हम लोग 7 बजे के 8 बजे के बाद हम खाना खाते हैं। तो फ्रूट चाट नहीं बनाई तुमने? नहीं फ्रूट चाट के लिए वो सेब, पता है आज फर्स्ट डे है ना तो सेब नहीं मिले, फर्स्ट डे था ना, रात को दही इतनी मुश्किल से मिल रही थी। ये पकौड़े बना रही है, ये देखे हम इतना रिलैक्स होके काम करते हैं। और यहाँ पे दाल चावल बने, इधर आओ, यहाँ पे दाल चावल बन चुके हैं, ये दाल है ये चावल है, आप इन्हें बनाए हैं। तो अभी रोज़ा है, रोज़ा खोल कर देखेंगे कैसा बना है। यहाँ पे दूसरे घर पे ताबिंदा दूसरे घर पे और हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं, वो भी हमें बहुत मिस कर रही है, हमें पता है। बस इफ्तारी करेंगे उसके बाद कुछ काम है, ये बैग दिखाओ। अच्छा बस बैग से सही करने, ये एक्चुअली हम आज से 3 महीने पहले शादी में गए थे लाहौर, तब से लेकर अभी तक ये बैग सही नहीं हुए। कितने सही करने, इसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे ताबिंदा के पास। हम हमेशा एक साथ होते थे, पता नहीं ये फर्स्ट टाइम है जो हम इस तरह हैं। लेकिन आई मिस यू ताबिंदा, आई मिस यू टू। सो गाइस अभी 8 मिनट रह गए रोजे में, रोजा खुलने में, बस अभी बात करेंगे इसके बाद अपना काम करेंगे, फिर हम चलेंगे बेब्स के पास। आई मिस यू बेबो। बेब यार बस करो यार, बस करो यार, मिस यू मिस यू। सुबह से तुम, मैं सुन रही हूँ तुम मिस यू मिस यू मिस यू कह रही हो। बात तो डालन ऐड नहीं किया अपने ब्लॉग्स में, उसे बहुत बार बोला आई मिस यू निदा, आई मिस यू आंचल, तो हमारे लिए कर दूँगी इसको बोलना। नहीं जी, इतना बोलना ओवर हो जाएगा। मुझे रोजा लग नहीं रहा है लेकिन फील हो रहा है, फील हो रहा है, गुड। ताबिंदा रात को हमें इतना मिस कर रही थी, उसने जो मुझे व्लॉग्स की क्लिप्स भेजी बार बार, आई मिस यू आंचल, आई मिस यू निदा, आई मिस यू आंचल, आई मिस यू निदा। तो मैं सोच रही हूँ आज जब हम वहाँ पे जाएं तो उसको नहीं बताएंगे क्या हम आ रहे हैं। ठीक है ऐसा कर लेते हैं, देखते उसका क्या रिएक्शन होता है। वो इतनी खुश होती उसको जितना, जितना वो हमें मिस कर रही थी वो इतनी खुश होती भी है कि नहीं होती। पता है हम उसको क्या बताएंगे, हम लोग बोलेंगे हम काम कर रहे हैं, भी सैरी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। फिर हम लोग रात को जब जाएंगे वो शॉक हो जाएगी, शॉक हो जाएगी। तो क्योंकि हमने इसके साथ ही सैरी करनी है ये कन्फर्म है। ओके सो गाइस अभी हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे शादी के बैग थे जो कि हम लेके गए थे लाहौर में, आज हमने ये सही किए क्योंकि हमें आज टाइम मिला है। और ये देखो लुबना नहीं जा रही है, चुका है यार, ये सही हो गए मेरे कमरे की कबर्ड। पिछले 3-4 महीनों से ये रोज बहुत खिल रहे हुए थे। सही होता है खिलता है, सही होता है खिलता है, क्योंकि इसको खिलाने में किसका आता है वो निदा का। थैंक यू गाइस, लुबना कसम से मैं व्लॉग में डाल दूंगी ये सब कुछ। हेलो लुबना हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है अल्लाह हाफिज। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से और आके मैं निदा बस अभी जाके देखते हैं ताबिंदा का कैसा रिएक्शन है, बस
उसको पता नहीं है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर उसको पता होता तो हम लोग सरप्राइज ही नहीं देते। और मुझे पता है ताबिंदा शॉक नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने उसको बताया भी नहीं था, लेकिन वो शॉक भी नहीं होगी क्योंकि उसको पता कि आना जाना लगा रहता है। तो आज हमने बगैर बात किए इसको मैसेज नहीं, कॉल नहीं, हम ऐसे ही जा रहे हैं। कुछ तो उसका रिएक्शन होगा, वो देखे कि ब्लॉग बनना है तो कुछ तो करेगी ना। जी हमें मैच बहुत खेले रहे हैं, ये देखिए मैच खेले जा रहे हैं रमजान की वजह से। और बताया आपको बारिश भी हो रही है ना इस वाले रमजान में, तो बारिश भी है। सभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे जहाँ ताबिंदा है, और बहुत पानी है घर के सामने ना, बारिश हुई होगी ना लगता है। हुई होगी नहीं, हुई है बारिश, हुई है। बाय। सामान बेचो वो बैग। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और ताबिंदा का कोई रिएक्शन, कोई कुछ, मैंने बोला था ना कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी मतलब वो एक होता है ना, क्या एक होता है। हम लोगों ने तुम्हें सरप्राइज दिया, हम लोगों ने तुम्हें सरप्राइज दिया, तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं पड़ रही थी। ये देखें गाइस मैंने चाय बनाई है, निधा कैसे जा रही है रूम में पीने छुप छुप के। और अभी मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, आज भी फ्रेश हो गई क्योंकि हमने दूसरे घर पे काम किया था, धूल मट्टी लग गई थी हमारे। तीन देखिए हम लोग फ्रेश हो गए, रात के 3 बज रहे और ताबिंदा लिडो खेल रही है हम दोनों के बगैर। यस नहीं है, हम उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। हम लोगों ने इतना बड़ा प्लान किया, हमने इतना बड़ा मतलब हमने सोचा कि ताबिंदा में देख के खुश हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ताबिंदा सर से पढ़ रही थी, सर ने आते हमारी भी क्लास ले ली। हाँ सर ने बोला जो जो याद करवाया वो सुनाओ, मैंने तो आते सर पर दुपट्टा ले लिया। लोग सैरी के टाइम पे मिलते हैं। सो गाइस सैरी का टाइम हो गया है, 5:15 पर रोजा बंद होता है। हाँ 5:15 पे रोजा बंद होता नहीं, है 5:16 वही बात हो गई, 5:15 पे ना। हाँ भाभी भी यही कह रही है 16:00। तो अभी तुम क्या कर रही हो? अभी को दही दही में चीनी मिलाई है। ये पता है सीरी में फेमस चीज है दही और पराठा, और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सीरी करना जरूरी है वरना सुबह उठ के जो हालत होती है ना बदल जाती है, क्योंकि सुबह उठती हमें चाय की आदत है। तो जैसे अब रूटीन चेंज होती है रमजान में, अक्सर आपने देखा होगा सबकी चेंज होती है। अम्मी के लिए दही लेके जा रही है। चल ये देखें, अम्मी रोजा नहीं रख सकती क्योंकि अम्मी को मेडिसिन खानी होती है, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी को बहुत तेज फीवर हो रहा है, तो अम्मी दही पराठा खा रही है। ये देखिए आंचल ने यहाँ पे भी लगा दिया है। सो गाइस हमने मतलब रेसिपी का व्लॉग इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले हम बहुत थके हुए थे, जैसे इफ्तार किया वहाँ पे दूसरे घर पे काम करने लग गए, वहाँ से फिर होके इधर आए तो आते ही सर बैठे हुए थे, जैसे सर ने हमें देखा सर ट्यूशन देने लग गए, तो बस क्लास लग गई आज तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई थी सेरी के लिए और अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम मम्मी से पूछ के कुछ ना कुछ रेसिपी बनाते, बस इस वजह से नहीं बनाई। इंशाल्लाह कल हमारा व्लॉग होगा रेसिपी का, कोई अच्छी सी रेसिपी ढूंढ कर आपको बताएंगे, अम्मी जो अम्मी बहुत अच्छा बनाती होगी वो हम आपको रेसिपी देंगे इंशाल्लाह। बस दुआ करें अम्मी की और तैयब की तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि तैयब को टाइफाइड बताया है डॉक्टर ने, और उसकी वजह से भी हम बहुत परेशान हैं। तैयब दूसरे घर पर हैं, मतलब एकदम से वो उसका हट ही नहीं रहा था बार बार, बस दुआ करें अल्लाह पाक उसको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए इंशाल्लाह। सो गाइस मैं ये सोच रही हूँ कल ताबिंदा हमें इतना मिस कर रही थी, आई मिस यू निदा, आई मिस यू आंचल, ये वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, आज हम आए हैं वो हमें मुँह ही नहीं लगा रही है, इनफैक्ट अपनी सेरी भी हम खुद ही लगा रहे हैं और हमारे लिए कुछ बनाया भी नहीं उसने, लेकिन भूख तो हमें भी नहीं है, लेकिन ताबिंदा की बात मुझे समझ में नहीं आई, गलत है ना। सो फ्रेंड मुझे तो पता भी नहीं था कि ये लोग ब्लॉग बना रहे हैं, जब ये लोग आए तब मैं टीचर से पढ़ रही थी, अपने सर से पढ़ रही थी, ट्यूशन ले रही थी, अभी भी मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ,
तो मुझे तो पता भी नहीं था इन्होंने क्या शूट किया क्या नहीं किया, और इसने कुछ रिएक्शन भी नहीं किया। मैं कैसे कर दी, क्योंकि कल मैं अकेली नहीं, मैंने किया था, मैंने भी कोई रिएक्शन नहीं तो किया। वो आपने अकेली आप अकेली थी, हम लोग आपको सरप्राइज देने आए थे। क्यों दे रहे थे ऐसे, कब सरप्राइज में कोई चीज भी लेके आनी थी, तब मैं क्या लाए थे, बैग लाए थे, तो वो सरप्राइज देके मैं इतना खुश नहीं हूँ। हम इतना काम करके फिर भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ ब्लॉग ये जब बनेगा ना एडिट होगा तुम देखना कितना काम किया मैंने। सो गाइस ताबिंदा बिल्कुल एंड में ब्लॉग में आई है, चलो आ गई है तीनों एक साथ, अब ब्लॉग में आए लास्ट वाले। तो इसी के साथ हम अपना ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अभी हमने नमाज भी पढ़ ली है, रोजा भी बंद कर लिया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब काम भी हो गया है। बस कल हम आपको रेसिपी की ब्लॉग देंगे ना जी, इंशाल्लाह इफ्तारी का नहीं सहरी का नहीं सहरी का। So, कल का हमारा ब्लॉग होगा रेसिपी का, सहरी का, सहरी का। मैं सहरी अच्छी बनाती हूँ, मैं तुमसे क्या दूर जा रही हूँ। अच्छा, तो इसी के साथ हम अपना ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। अल्लाह।